इस दुनिया में हर कोई इंसान है और कर्म ही उसका पहचान है, लेकिन एक चीज और जो कि लोगों को अलग करती है वो है पैसे, अमीरी गरीबी। लेकिन क्या अमीरी गरीबी सिर्फ पैसे तय करती है? खैर आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम ज़्यादातर मजाक ही करेंगे, आपको सीरियस भी नहीं लेना है, लेकिन इसमें कही हुई चीज़ें, बताई हुई चीज़ें मानसिकता हो सकती है लेकिन हकीकत कहीं से भी नहीं है। तो मैं हूँ विनय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, चलिए शुरू करते हैं। पर भाई पहले के ज़माने में गरीबों की कपड़े फटी रहती थी और हालत भी फटेहाल रहता था। खैर फटेहाल हालत आज भी है गरीबों के, लेकिन कपड़े अब फटे हुए नहीं दिखते। हाँ दिखते हैं जरूर अमीरों पे। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि गरीब लोग तो है ही भाई, जीवन चलाने के लिए किसी तरह चल देते हैं, लेकिन ये अमीर लोग फैशन के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो भाई अमीर और गरीब नाम से ही इतना ज्यादा अंतर लगता है, तो इनके खाने में भी अंतर है, जरा देखें आप अमीरों के खाने का स्टाइल। हमारा खाने का स्टाइल और खाने में नहीं भैया, पीने में भी अंतर है, जरा देखें इनको। अमीरों का बैठना, गरीबों का बैठना। और जब मैंने पीने को कहा तो आपको जो अंदर ख्याल आया उसमें भी गरीब लोग ही अपने देशभक्त है, क्योंकि गरीब लोग देसी पीते हैं और अमीर लोग अंग्रेजी पीते हैं। हाँ पीने का तो पता नहीं, पर खाने का जो स्टाइल है गरीबों वाले जमीन पे बैठ के, ये सही तरीका होता है अपने हेल्थ के लिए। तो आप भी आदत बदलने की कोशिश करिए। और हम तो है ही है पैदाइशी देसी, हमारा बात ही छोड़िए। तो भैया जब खाने पीने की बात हो ही गई है तो सुबह वाला कार्यक्रम तो करना पड़ता है, अमीर हो या गरीब। तो जरा ये देखें भाई, मेरा बाथरूम 1 लाख का है। भाई मेरा बाथरूम तो 5 लाख का है, तेरा कितने का है? बेटा हम जिस खेत में लोटा लेके जाते हैं ना, वो खेत 7 करोड़ का है और हम अपना बाथरूम रोज बदलते हैं। पर अब ये समस्या उतना बड़ा समस्या नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी ने लोटा लेके बार बार आगे खिसकने से छुटकारा दिला दिया और अब खेत में अमरूद का पेड़ भी नहीं दिखता। फिर भी भाई बैठने के स्टाइल में काफी ज्यादा अंतर है, अमीर लोग अंग्रेजी यूज करते हैं और हमारे देसी लोग वही अपना पारंपरिक स्टाइल। और सच मायने में कहे तो एक हेल्थ के लिए और एक सही तरीका कहा जाए तो वो अपना इंडियन टॉयलेट ही होता है। और खैर देसी हो या अंग्रेजी हो, मटेरियल सेम होता है, बस इससे ज़्यादा वीडियो को गंदा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं भाई, अमीर और गरीबों में डांस करने के तरीके में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, ज़रा देखें। अमीरों का डांस, हमारा डांस। पर ये अंतर अमीर गरीब ना करके शहर और गांव करे तो ज्यादा सटीक बैठेगा। खैर लेकिन भाई डांस तो ज्यादातर शादियों में ही होती है और ये शादियों में भी ज्यादा फर्क होता है गरीब और अमीर के बीच, जरा देखे आप फ्लैश। गौरतलब है कि अमीर लोगों के शादी के विदाई में कुछ ऐसा सीन बनता है। लेकिन हम जैसों के शादी के विदाई में कुछ ऐसा सीन बनता है। ऐसा नजारा आपने भी देखा है क्या कहीं? भाई समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन मनोरंजन के लिए सही है, लेकिन हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी से कम नहीं, ये बात अमीरों में भी होती है, गरीबों में भी होती है, और इस बात पर ज्यादा चर्चा बढ़ जाए तो बात झगड़े तक पहुंच जाती है, और ये झगड़े में भी ज्यादा फर्क होता है अमीर और गरीबों के बीच, देखे जरा। अब जहाँ अमीर लोगों का झगड़ा होता है वहां पे एक मेंबर के कुछ कहने पर दूसरे मेंबर का जब तक रिप्लाई आता है उससे पहले थोड़ा सस्पेंस बनता है, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्ट जवाब। पर एक ग्राउंड लेवल का फैक्ट तो है कि जब झगड़े होते हैं
तो जनरली लोग अपने जो लोकल भाषा है उस भाषा में बात करते हैं, लेकिन जब झगड़े हो जाते हैं तो पता नहीं लोगों के अंदर अंग्रेज कहाँ से घुस जाता है। अमीर लोग अंग्रेजी में गाली देते हैं, अंग्रेजी में झगड़ा करते हैं, और गरीब लोग अपने देसी भाषा में एकदम नट्टी परले फूल कर देते हैं, गर्दन परले। देसी भाषा भूल गया मैं, समझ गए हो तो लाइक ठोके आगे। पर भाई इस डिजिटल जमाने में हमारा और आपका, हमारा नहीं आपका, पबजी गेम को कैसे भूल सकते हैं, जरा इसके बीच का भी डिफरेंस देख ही लो आप। अमीरों का पबजी खेलना, हे गाइस एनिमी साउथ वेस्ट 240 किल देम। गरीबों का पबजी खेलना, भाई बंदा 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 मार साले को, मार खोपड़ी तोड़ साले। भैया पबजी ही ऐसा जगत है जहाँ पे अमीर और गरीब सब बराबर होते हैं, कोई किसी को भी ठोक सकता है। पर भाई बहुत ही मजाक की बात है, थोड़ी सी सीरियस बात कर लेते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसे ही तय करती है? क्या गरीब लोग हमेशा सुखी और खुश होते हैं? जहाँ एक खुशी और सुख की बात करें तो ये पैसा कभी भी तय नहीं कर सकती। एक गरीब लोग भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि दो वक्त की रोटी खाकर इतना ज़्यादा सुकून से और खुशी से ज़िंदगी जीते हैं कि आप देखिएगा तो मतलब सोच में पड़ जाइएगा कि ये लोग ऐसे कर कैसे लेते हैं। और बहुत ऐसे आप अमीर लोगों को देखिएगा जो कि 24 घंटा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, उनको कभी भी चैन नहीं मिलता, पेट बाहर रहता है, दिमाग भारी रहता है, कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, पूरी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन में निकाल देते हैं, तो ये मायने नहीं रखता। तो क्या गरीब लोग खुश होते हैं और अमीर लोग हमेशा फ्रस्ट्रेशन में होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये कोई फैक्ट और ट्रूथ नहीं है। कोई भी खुश हो सकता है उसके जीने के तरीके से और ज़िंदगी को और इस दुनिया को समझने के तरीके से, लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ तक भाई एक गरीब है और खुश है तो वो कहीं ना कहीं एक पैसे वाले जो फ्रस्ट्रेशन में उससे ज़्यादातर ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ की भाई पैसे, दूसरी चीज़ है अमीरी आपकी ये तय करते हैं कि आप दिल से कितना अमीर है, आपका दिल कितना खुला हुआ है, आप कम में ही लोगों को कितना हेल्प कर पाते हैं, कितना आपका नेचर कैसा है। और तो भाई पैसे से अमीर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन दिल से अमीर होना बड़ी बात है। लेकिन ऐसा बात नहीं है भाई, पैसा होना भी सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्लान करके रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जहाँ पे मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और आप हमारे साथ जुड़ के पैसे कमा सकते हैं, और क्या करना है ना करना है वो आपको वहीं पे मिलेगा। एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको मैं फुल गाइड करूँगा, एंड ज्वाइन कराने के बाद आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपको वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट वगैरह भी मिल जाएगा, नंबर वगैरह। तो एक बार जाइए, ट्राई करिए इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद। तो फिलहाल मैं आपको दो लाइनों के साथ छोड़े जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हर नेता राजनीति करता है गरीबी पर धीरे धीरे मर जाता है इनका जमीर। ध्यान दीजिएगा कि हर नेता राजनीति करता है गरीबी पर मर जाता है धीरे धीरे इनका जमीर। गरीब तो वहीं पे रह जाते हैं, पर ये नेता देखते देखते बन जाते हैं अमीर। शायद हकीकत यही है। खैर ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाए, क्लिक करें एंड ज्वाइन करें एंड करते हैं कुछ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, और तो बस जय हिंद, बाय।